بسم الله الرحمن الرحيم जी बिस्मिल रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त बिलाल दस्ती ते तुसां दे पेवे मेला टीवी। ई टाइम अस मौजूद हैं रियासत बहावलपुर दी सरजमीन ते आरिफ पहलवान जुईया दे उस्ताद मोहतरम जनाब अकबर पहलवान जुईया दे देरे ते अस मौजूद हैं। ते आओ उन्हें नाल गल करने हैं ते फने पहलवानी दे बारे उन्हें कोलो पुछदे हैं भाई। जी दोस्तों, आरिफ पहलवान जुईया साहब दे उस्ताद मोहतरम अकबर पहलवान जुईया साहब साढ़े नाल मौजूद हैं ते इन्हें कोलो पुछदे हैं फने पहलवानी दे बारे। ते आरिफ पहलवान जुईया साहब को इन्हें तरबियत दी और उन्हें तुहाडे सामने पाकिस्तान दे नामवर पहलवान रह गए और हर छोटे वे पहलवान न लड़न तो इन्हें को बारे भी पूछ। अस्सलाम वालेकुम अकबर पहलवान जुईया साहब। वालेकुम सलाम भाई जान, ठीक ठाक। और आरिफ पहलवान बहुत चंगा पहलवान थी गुजरे, बड़ी मेहनत की उन्हें नाल, अल्लाह उनकी जिंदगी रखे। मेहनत बड़ी औखी है, उस तो बाद बड़ी मेहनत की दिन रात मेहनत की, हर पहलवान नाल कुश्ती लड़िए, तल्लुक रखते में समय भोले भाले तक लड़िए। फिलहाल भी उस तरह लड़दा वधे, मेहनत बहुत की उन्हें नाल, बहुत छोटा जहा पहलवान आई तो उन्हें मेहनत दी रात की, उन्हें भइयां की है, दोस्तां की है, नाल मैं भी बहु की है। आरिफ पहलवान बहुत चंगा पहलवान है। अच्छा उस्ताद जी, तुसां ए दसो भाई आरिफ पहलवान जो टाइम टेबल मेहनत करने का क्या है, खुराक का क्या है, क्या तरीकाकार है, उन्हें तुहाडी शमूलियत नजर नाल है ना। पहलवान को बहुत मेहनत करवाई है, जिस टाइम में को शुरू कराया से हूँ वाले मैं फुल पहलवान हामी, उस तो बाद बहुत छोटा जहा हाई 12-13 साल का हाई तो एक पहलवानी शुरू कराई है। इन मकसद हूँ वाले 12 किलो का डंबल भी ना चाह संगदा आई, एक पहलवानी शुरू कराइए, मेहनत करवाइए। इमें छोटे छोरों को शुरू करवाए थे, मेहनत करे नहीं आए हैं दिन रात, रात का 3 बजे उठावना हों, दौड़ लवावनी होंगी आई, फट्टा छिकवावना हों, उदो बाद वाल मेहनत लवाऊँगा, मालिश करूँगा। मैं आप खुद अपने हाथ ना मालिश करे ना आमी, खुद बदाम रगड़े ना आमी, उदो बाद खाड़ा खिडवाऊँगा, खाड़े तो बाद मेहनत लवाऊँगा, शाम को हांडी भी अपनी पकाऊँगा। इतना नाल इन मकसद को इमें थोड़ा 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 इमें उत्ते चढ़ेने असा इस तक गिन आए, यानी कि तुहाडी बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मजीज़ तुहाडे बे भी काफ़ी शागिर्द होसन और नामवर थे होसन, तो मजीज़ हुण तुहाडा क्या ख्याल है, हुण मजीज़ कोई तुसा शागिर्द पलेंदे पे वे? टाइम बस साढ़े शिरगिर्द मेरे बे भी हैं नामजाद पहलवान, इनका मकसद है मेरा शिरगिर्द वड्डा इहो है। उन तो बाद अल्लाह खैर करे मैं अपने बेटे को हुण पहलवानी शुरू कराइए। इन्हां दा नाम क्या है सी, नाम तो दसो। इन्हां दा नाम है सी इरफान अकबर। इरफान अकबर पहलवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातहू। तुहाडा ये पहलवानी दे शोबे नाल तकरीबन चौखा अरसा थी गया तुहाको पहलवानी करन दे हैं? तो वैसे खानदानी पहलवान, तो असल पहलवानी तकरीबन 4 साल हो गया करते हुए, यानी कि 4 साल हो चुके हैं। तो मज़ीज़ आगे आप मेहनत ज़्यादा करना चाहते हैं या इसे कम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह ज़्यादा भी मेहनत करेंगे और अच्छी भी गेमों में जाएंगे, माँ बाप का दिल खुश करेंगे। बहुत मेहरबानी जनाब। अच्छा जनाब, तुसा अपने बेटे के हवाले नाल दसाओ भाई, तुसा मजीद को कितनी लेवल तक कोशिश है तुम्हारी? लेकिन सही मेहनत बहुत है, मेहनत जरूरी है पर मेहनत बड़ी औखी है। आज महंगाई का दौर है, खुराक भी बड़ी अहम है, उन तो बाद साढ़े दिल का शौक है, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी रखे। तुसा भिरा बेभिरा दुआ करें, अस मेहनत करें पे, अल्लाह ताला इन मकसद साढ़े दिल का इरादा पूरा करे। इनका मकसद है सारा दिल है जो वड्डा पहलवान बनाना चाहिए है, असा अपने पाकिस्तान दा, अपने डिवीजन दा, अपनी कौम दा, असा अपना ना कढ़न चाहते हैं। अच्छा उस्ताद जी, ये तुसा मेरे को दसो जो भाई मकसद है, एक छोटा पहलवान है, मकसद है तुम्हारा बेटा है या शागिर्द है, वो भी बेटा होंगे, तो मेरे को ये दसो जरा थजो शुरू को खाड़े बच्च आते छोटा बच्चा होंगे, उकू थजो लड़ावना चाहिए या उकू खाद खुराक दे के पाल के नौजवान करके वालों जड़े वेले उतली लेवल ते थी वे ऊँले लड़ावना चाहिए? ई फिर ई गल तो मेरे को थोड़ा जहा करे सो। सही मसला ये है, ऊँ तो पहलवानी जरी है ना, पहलवानी ये है जो बंदा तलू शुरू करे, लड़द्या 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 बंदे को एक पहलवान को तजर्बा थी वेंदे जी, बहुत अच्छी गाल की थी। उन तो बाद कहें को ढांद है, कहें को डहेंद है, इमें डहेना डहेना पहलवानी जी तकड़ी और तलू शुरू करें तो उत्ते तक पुज वेंदे। जी पहलवानी बंदा तलू तो शुरू करें, मेरे देखने उनका तजर्बा पहलवान को ज़्यादा थी वेंदे।
बहुत सोहनी गाल की थी वैसे ही एक खवेनिया ऊँ तो अलावा ड्रेक वन कुश्ती लड़ाओ वो कोई मुकदरा वाला चल गया तो ठीक है ना चलिया तो जड़े बड़े पहलवान खड़े उन्होंने नवे बंदे को पहले फौरी तौर नहीं लड़न देंदे वो वाकया ही पहले पहले पहलवान को पीछा हटा देने जरा बंदा तल्लू लाड़ के उत्ते वैसी उ बहुत तजर्बा हो से पहलवान को सोहनी गाल की बाजूकात मैं डिठन काफ़ी पहलवान डिठन जेड़े यानी कि घर पलेंदन खुराक खवेंदन सिर्फ उस्ताद रखे होंगे खाड़ा करवाई रखदन खाड़े तो बाद वाल डायरेक्ट उत्ते मान के आप पैसे भर के वे पहलवान को वाल घेन के आनन अपने पेड़ ते लड़ेनन वाल कुश्ती बाल ढवा पौधे वाल मूंझे आनन ये चीज़ ही चीज़ के बारे थोड़ा जहाँ आगाह करे सो गाल है वो सक पसंद कहन एक ड्रेक वन लड़ावान इतनी खुराक खवा दे अगर उन्हें नसीब कहें पैसे दे लड़ावान उनकी मेहनत का कोई फायदा कहनी यानी कि तुम्हारा आखिर का मकसद है भाई शुरू को बाल को लड़े दे आओ ढांदा आवे ढवींदा आवे ढहेंदा आवे उनके मज़ा भी है मैं भी हूँ अपने शिरगिर्द को जल्द तैयार किए तैयार है पहलवान को तो उस टाइम मैं जियो जहा बंदा है मैं लड़ाई आया बहुत अच्छा कि देवे अच्छा किते वे यानी कि लड़ाई आए वे तो आज उन्हें का नाम ही तो है मैं हूँ भी मैं अपने बेटे को तैयार करेंदा पिया तो मैं एडा हूँ भी दिल का इरादा है अजन पढ़ता भी पे उन तो अलावा भी मैं हूँ कुछ त्या लड़ेंदा पिया मेरा दिल जिथा भी मेरे को सड़ेन या जिथा भी लड़ेन जैसे ना मैं उन्हें लड़दा ठीक है हूँ तो बाद नथे घलू न लड़े बराबर थे काशी लिशारी न लड़े बराबर थे इवें बस जेरे भी सारे इलाके जिथे भी छेन ये लड़दा आते पहले मैं जल्दी पहली कुश्ती को लड़ाई को कोई पता ही कहना आई जल्द को मैं पाँच सात हूँ कुश्तियाँ लड़ाएं ये को काफ़ी भी तजर्बा थी गए ठीक है ना ऊँ तो बाद अगर वाल भी मेरा इरादा है जिथा भी असं तजर्बा यह है जो उदू पहलवान लड़दा आवे पिछू मेहनत करें दे बंदा आपे तकड़ा थी आता जया जया बहुत सोहनी गाल की बंदा आपे भी तकड़ा थी आता पिछू मेहनत होवे ऊँ तो अलावा उस्ताद अहम है उस्ताद या खलीफा या चाचा या मामा भिरा लादमन पहलवान के पिछू होना चाहिए है पहलवान को जितना भी शौक हो कल है पहलवान को पहलवानी नहीं थी संगती अच्छा एक सवाल मेरा छोटा जहाँ भी ये है जो भी तुसा इकूँ केड़े टाइम उठें दे वे केड़े टाइम कितना मेहनत करवें दे वे कितनी टाइम इकू खड़ा करवें दे वे ते क्या इकू खुराक दें दे वे ऐसे हाली बाल है जिमें होनी दी उम्र बधदी आँदी है उए खुराक ही बधेंदे आने आए उए मेहनत ही बधेंदे आने आए खाड़ा ही बधेंदे आने आए जरले थोड़ी जी उम्र इंदी चाढ़ा सी इन्हें मकसद ये हूँ 16 साल तो 4 महीने का थी गए जल्द ये 18, 19, 20 साल पहुँचा ऊँ वाले अल्लाह के हुक्म का सारा इरादा है भाई मेहनत ही बहुत कर वैसूँ पहलवान अल्लाह की तरह तकड़ा कर वैसूँ बहुत मेहरबानी पहलवान जी अच्छा तुसा कोई आवन वाली यंग जनरेशन नसल तो होने वाले जो पहलवान लड़ते पैन इन्हें वास्ते तुसा कोई आखिरी मैसेज देना चाहते वे जो तुसा कड़े तरीके नाल पहलवानी करो या कड़े चीज़ें को बचो तुसा ज़्यादा पहलवान वड्डे पहलवान नामवर बन सो इन बारे थोड़ा जो कोई मैसेज दो मकसद एक तो मेरा यह है ज पाकिस्तान के जितने भी पहलवान हैं चंगे हैं ज माड़े हैं मैं उनको एक अर्ज करना एक तो पी माँ की इज्जत की करो ऊँ तो अलावा उस्ताद जरा होंगे इवें समझ पियो माँ होंगे बगैर उस्ताद दे कोई काम भी नहीं चल सकता ठीक है अजकल तो पहलवान वो बदन थे जे थोड़े जी में तकड़े थे नहीं वो उस्ताद को भूल गए वो एक बन उस्ताद को भूल गए बे बने पहुंच गए अच्छा जेड़ा शागिर्द उस्ताद को भूल वेंदे क्या वो कामयाब थींदे नहीं थींदा वो नहीं थींदा मेरा तो तजर्बा है वो नहीं थी सकता वो जिथा ही वैसे धक्के खासी ठीक है ना सही जल जरा उस्ताद है एक निके जे को पलेना पलेना वह तकड़ा किते मेहनत किते ओ उस्ताद को छोड़ दे भई जा चला वने क्या ख्याल है जो ऊँ उस्ताद दा क्या नियत खे थी भई ये मैं तकड़ा मैं किते मिते बने भई जा उंदा दिल नहीं करेगा जी दोस्तों ये हम सही अकबर पहलवान जुया साहब इन्हें गुफ्तगु मैं उम्मीद करना तो पसंद आई उसी तो इन्हें मैसेज भी सुने उसने तो सा जड़ा उस्ताद होंगे वो प्यू माँ होंगे जड़ा प्यू माँ की कदर नहीं करेंदा वो कामयाब नहीं थींदा मैं अकबर पहलवान जुया साहब का शुक्रिया अदा करना जो उन्हें सबको कीमती वक्त चो टाइम दिते बहुत मेहरबानी और ये जड़े अस इंटरव्यू करें पे हैं इन्हें सारे इंटरव्यू के साडे जुल्फकार करंट साहब का बड़ा ही तावन है और साढ़े नाल इन टाइम कैमरे के उत्ते खड़न थे तो और अखलाक दस्ती साहब ओ भी सारे नाल पहलवान साहब का सारे का शुक्रिया अदा करना ते इन्दे नाल ही थोड़े को इजाजत मंगदा अल्लाह हाफिज़।